क्योंकि अनलेस एंड अंटिल जब तक आप खुद नहीं जानोगे तो ना तो कन्विक्शन आएगा अंदर से, आप बोल ही नहीं सकते ना, आप क्या बोलोगे, जहां पे आप बोलोगे वहीं पे आप उलझ जाओगे, डिबेट में चले जाओगे आप, यू नो व्हाट, फिर वो क्या होगा, वो एक इंटेलेक्चुअल सेशन हो जाएगा, वो स्पिरिचुअल सेशन नहीं होगा। आप किसी के साथ में बैठे होगे ना और बात करोगे, वो सामने से बोलेगा अरे नहीं तुम क्या बोल रहे हो, देखो हमारे उसमें तो ये लिखा है, आप बोलोगे अरे नहीं तेरा गलत है मेरा गलत है, ये सब पागलपन हो इसी वजह से रहा है। जबकि अगर हम ध्यान से देखें, कुरान हो चाहे बाइबल हो चाहे हिंदू का कोई भी ग्रंथ हो, सब में एक ही चीज लिखी और दो हो ही नहीं सकती। देखो सिंपल सा फंडा है, जो झूठ है वो दो हो सकते हैं, दस हो सकते हैं, पचास हो सकते हैं, लेकिन सच तो एक ही है ना। अगर सच के दो अलग अलग वर्जन है तो वो सच है ही नहीं, वो झूठ है। तो सच जहां से आया, जिस भी सोच से आया, जिसके पास भी आया, उन सबने एक ही बात कही है, वो दूसरी बात कह नहीं सकते। या तो समझने वालों का फर्क है, जो समझ रहे हैं वहां पर कंफ्यूजन है, या जो समझाने वाले हैं वो बीच में इतनी सारी लेयर्स आ गई कि वो समझा ही नहीं पा रहे, या वो खुद ही कुछ नहीं समझते तो आगे क्या समझाएंगे। तो सोचो कितना कंफ्यूजन हो रहा है कि जो खुद कुछ नहीं जानता वो उसको सिखा रहा है जो बेचारा बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता, तो कंफ्यूजन होगा ही ना। फॉर एग्जाम्पल आज जो कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूं और क्रिश्चियनिटी के नाम पर लोगों को कन्वर्ट कर रहा है अपने रिलीजन में, जीसस क्रिश्चियन था क्या? नहीं था। सोचने वाली बात है, बुद्धा बुद्धिस्ट था क्या? नहीं था। फिर मतलब बुद्धिस्ट तो आगे बन गए, जैसे बुद्धिस्ट बने वो ऑर्गेनाइजेशन बन गया, बट बुद्धा वॉज नॉट अ बुद्धिस्ट, उसने अपने पर ठप्पा नहीं लगाया। सो एज सिंपल एज दैट, जब आप जान जाओगे तो आप चाहोगे तो अपने आप को नहीं रोक पाओगे, ऐसे अजीब से सेशंस करने पड़ेंगे। यू कांट स्टॉप योरसेल्फ, आपको करना ही पड़ेगा, मजबूर हो जाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक अभी आपकी स्टेज है, आप करना चाहते हो, फिर होगा आप नहीं करना चाहोगे। मेरे साथ कई बार होता है, मैं कहता हूँ नहीं यार नहीं करना, बट हाँ अनस्टॉपेबल राइट, मैं चाह करके भी नहीं रोक पाता अपने आप, अंदर से आता है कि नहीं यार अब क्या करूं, मजबूर हो गया, मतलब करना ही पड़ेगा राइट। तो आप दोनों का क्वेश्चन सेम, आप बताएं। सर मेरा मानना है कि जब हम एक सोल हैं, ठीक है, और जब हम जन्म लेते हैं तो हम बहुत प्योर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो प्योरिटी हमारी घटती जाती है। तो मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि जो बचपन में हमारे प्योरिटी थी, जितने प्योर थे हम, वो प्योरिटी हम स्पिरिचुअलिटी के द्वारा फिर से गेन कर सकते हैं। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि मैं कैसे उस प्योरिटी को, मतलब वो जो प्योर होता है उसे फिर से फील करूं, बट मैं अभी तक वो पा नहीं पाया हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं उस प्योरिटी को कैसे पा सकूं, वो बचपन वाली जो बिल्कुल क्लियर माइंड था, बिल्कुल शांत दिमाग था, बिल्कुल खुश रहने वाली जो फीलिंग होती है, अल्टीमेट फीलिंग जिसे बोल सकते हैं, वो कैसे पाऊं। आपका जो जवाब है वो आपके सवाल के अंदर ही है वैसे तो, जो आपने बोला है कि बचपन में ऐसा क्या था जो अब नहीं है। जी हाँ, बचपन में मैं पहले बहुत शांत था, उसके बाद बहुत ही खुश रहता था हर चीज में, बहुत ही हैप्पी, और मतलब हर चीज को कौतूहल से देखना वगैरह, मतलब दिमाग बिल्कुल खाली। हाँ, आपका यही जवाब है, उस टाइम पे दिमाग बिल्कुल खाली था, अब खाली नहीं है, सिंपल है ना। तो बस इतना ही है, अभी हम आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो फिर उसको वो करेंगे। देखो एक और चीज है बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट समझनी, कि ये जो प्योर इम्प्योर का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी बड़ा एक खराब सा कॉन्सेप्ट है जो पता नहीं कहाँ से लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि बच्चे ज्यादा प्योर होते हैं और हम इम्प्योर होते हैं। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, चाहे हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे हम लोग हैं, चाहे यहाँ पर और जितने लोग दिख रहे हैं, सबकी जो प्योरिटी है वो एग्जैक्ट सेम है। अभी जो हमारे अंदर है उसकी प्योरिटी को कोई छू भी नहीं सकता, 10 साल 20 साल छोड़ो लाखों सालों में भी कोई नहीं छू सकता, वो उतना ही प्योर है जितना था, उतना ही है, उतना ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपने जैसे बताया था तरीका कि वेट लूज करना हो तो 32 टाइम्स फूड चेव करना, मैंने वो शुरू कर दिया, फायदा हुआ? यस, बहुत फायदा हुआ। तो उसी तरह मेडिटेशन अगर डेली करना है तो उसके लिए कोई उसका प्रैक्टिकल आपने कुछ फाइंड किया हो तो अगर वो शेयर करे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सबको पता है कि मेडिटेशन अच्छा है लेकिन रेगुलर बेसिस पे कोई नहीं कर सकता है, तो वो मेरे को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। So what you are asking is, देखो सबसे पहले तो मेडिटेशन को समझना है कि मेडिटेशन अल्टीमेटली है क्या। मेडिटेशन की एक अगेन इसमें भी बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। मेडिटेशन को हम ये समझते हैं कि बस बैठ करके जबरदस्ती अपने आप को और ध्यान लगाना ही मेडिटेशन है, दैट इज नॉट ट्रू। जरूरी नहीं है कि कोई कह रहा है तो वही सही है, उसके पीछे जाकर के देखो अल्टीमेटली वॉट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज नथिंग बट अवेयरनेस। अगर अभी आप लोग मुझे सुन रहे हो बिना अपने दिमाग के फिल्टर को लगाए, मतलब यहां से फिल्टर से होता हुआ नहीं जा रहा, तो आप मेडिटेशन कर रहे हो,
अब मुझे नहीं पता, अंदर यहाँ पर देख करके नहीं बता सकता कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। हो सकता है मैं बोल कुछ रहा हूँ बट बीच में आपके कुछ फिल्टर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके जो गुरुजी है जिनको आप बहुत मानते हो, एकदम से आपके फिल्टर आ जाएंगे, अरे ये क्या बेवकूफी वाली बात कर रहा है, डिस्कनेक्ट हो गए। आप मेरे से हट करके गुरुजी में चले गए तो आपकी अवेयरनेस यहां से वहां चली गई। दैट मींस यू आर, योर बॉडी इज हेयर बट यू आर नॉट हेयर, यू आर समवेयर एल्स। तो अब अगर आप अपने आप को यहां रख सकते हो, दैट मींस यू हैव द पावर टू मेडिटेट। सो मींस बीइंग प्रेजेंट, बीइंग प्रेजेंट, बीइंग अवेयर, बीइंग कॉन्शियस इज मेडिटेशन। सिंपल वे में देखें तो माइंड हमारा कॉन्स्टेंटली हजारों थॉट चलते रहते हैं, बहुत सारे इतने जो हमको पता है, बहुत सारे ऐसे जो पता ही नहीं, राइट, चलते रहते हैं खट 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 खट, बट उन थॉट्स के बीच में कई बार हल्का सा गैप आ जाता है। आया गैप, आया एकदम से आ गया। मैं बोल रहा था तो माइंड एसोसिएशंस कर रहा था, खट 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 खट, एकदम से ब्लैंक हुआ। दैट इज मेडिटेशन, दैट इज अवेयरनेस, दैट इज यू। कई बार होता है जब हम बारिश में होते हैं कहीं पर और बस बारिश को देख रहे होते हैं और एकदम माइंड ब्लैंक हो जाता है। ज्यादातर तो क्या होता है कि बारिश को देख रहे होते हैं लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, नहीं अपना कुछ याद आ रहा होता है कि हाँ मेरी वो गर्लफ्रेंड थी और उसके साथ तो मैं बारिश में आ रही हूँ, ऐसे करके कुछ अलग ही कहानियां बन रही होती है माइंड में। ऐसे ही होता है, बारिश से कोई बारिश का गाना याद आ रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, कुछ माइंड कहीं का कहीं जा रहा होता है, या बारिश से अपना एक एक्सपीरियंस याद आ रहा होता है, अरे हाँ यार ऐसी एक बारिश एक उतने साल पहले हुई थी जब मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई थी, मैं वहां फंस गया था रोड पे, जैसे रोड पे कहीं पे जा रहे हैं तो एक ढक्कन खुला हुआ था वहां पे एक आदमी गिर गया था मेरे सामने, व्हाटएवर कुछ भी आ सकता है ना। तो अगर आप बारिश को देख पा रहे हो दैट मींस यू आर अवेयर, बारिश हो रही है लेकिन आप कहीं और ही, दैट मींस यू आर इन योर माइंड, कमिंग आउट ऑफ योर माइंड इज मेडिटेशन। मोस्ट पीपल थिंक कि मेडिटेशन ये फालतू का काम है, क्या टाइम वेस्ट होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट रहती हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि सपोज इफ दे डिवोट इवन 10 minutes to their meditation, पूरा दिन बदल जाता है। Absolutely. पूरा का पूरा दिन, मतलब it takes a new turn completely. लेकिन वो समझ नहीं आते, फालतू की चीज़ है, especially मेरे 20-22 साल के जो बच्चे होते हैं, क्या तू? लेकिन फिर भी एक question था, तो वो question ये था कि they talk about कि मतलब birth is a result of your past karmas. अगर karmas नहीं है तो birth नहीं है, या कुछ भी नहीं है तो birth नहीं है, सारे कर्म खत्म, clean chit, no birth, मोक्ष, ऐसा बताते हैं। बट क्या एक ऐसा टाइम नहीं था जहां पे क्लीन चिट थी हमारी, यानी कि कोई कार्मिक अकाउंट नहीं था, कुछ भी नहीं था? मेरा माइंड बहुत ज्यादा इस चीज में, चूंकि मतलब आई वांट टू लिव इन द प्रेजेंट, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा मुझे परेशान करती है, क्या है मतलब आई वांट टू नो द आंसर। तो अभी जानना बाकी है, जाना नहीं आपने, अगर जान लोगे ना तो ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। अभी जानना बाकी है, सेकंड एंड है। हाँ, मैं अभी ना, अभी आगे आगे जब सेशन बढ़ेगा ना तो आई एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली कि वो जानने में और ना जानने में भी क्या फर्क होता है, क्योंकि इल्यूजन्स भी बहुत होती है। माइंड जो है वो इतना पावरफुल है कि वो आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखा देगा कि आपको लगेगा कि हमने पता नहीं क्या जान लिया। जैसे लोग आपको मिलेंगे वो कहेंगे कि मैंने एक लाइट देख ली, या कोई साईं बाबा को मानता है तो वो कहेगा कि मैंने साईं बाबा देख लिया, मैं सब कुछ जान गया। दैट इज नॉट 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 जानना, दैट इज जस्ट लाइक वो एक इमेजिनेशन थी, वो आप भी देख सकते हो। जो आप मान रहे थे वो आपके सामने इमेज आ जाती है, जो आप मानते हो वो इमेज आपके सामने आ गई। सो दैट इज नॉट जानना। As soon as, जैसे ही आप सब कुछ जान जाओगे तो इस सवालों के अपने आप ही जवाब मिल जाएंगे, बिकॉज द नॉलेज विच इज दैट इनफाइनाइट नॉलेज, आप जाकर के खट उसमें मिल जाओगे, कुछ बचेगा ही नहीं जानने के लिए, राइट। सो देखो बुद्धिज्म क्या कहता है, ऐसे कुछ और भी रिलीजन्स हैं जैसे जैनिज्म है और है, वो लोग कर्माज में बहुत बिलीव करते हैं। व्हाट दे से इज कि आप एक एक करके अपने जो संचित कर्म है उसको खत्म करो। वो संचित कर्म कहाँ है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसको चित्त बोलते हैं। चित्त और मन अलग अलग चीजें होती हैं, चित्त मन बुद्धि, राइट। शरीर होता है, उसके ऊपर मन होता है, उसके ऊपर बुद्धि होती है, फिर चित्त होता है, फिर अहंकार होता है, फिर जाकर के वो होता है जिसका अभी मैं कोई नाम नहीं दे रहा, राइट। सो उस चित्त में दैट इज लाइक अ स्टोर हाउस, दैट इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स, कि सब कुछ खत्म हो जाता है, हमारी बॉडी खत्म हो जाती है, बट उस चित्त में सब कुछ पड़ा रह जाता है, और वो अभी का नहीं पड़ा हुआ, पता नहीं कब का पड़ा हुआ। अब ये यहाँ पर सुनने में ना बड़ा अजीब लगता है, जब मैं भी पहले ये चीजें सुनता था ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आता था ये सुन करके, जैसे कोई बोलता था ना पुनर्जन्म की बातें करता था, राइट, एक तरीके से एक कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड ड्राइव होती है ना, ठीक है ना, हाँ, सब कुछ जा करके रिकॉर्ड हो रहा है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उस हार्ड ड्राइव में सब कुछ पड़ा हुआ है। तो दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि उस हार्ड ड्राइव में से एक एक करके लाखों फाइल्स पड़ी हुई हैं, खट करो डिलीट मारो, खट करो डिलीट मारो, खट करो डिलीट मारो, जब तक आप डिलीट मारोगे लाखों फाइल्स और इकट्ठी हो जाएंगी, फॉर्मेट किसने बोला फॉर्मेट, सिंपल, मैं आज की लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, सिंपल वे में फॉर्मेट मार दो,
बुद्धिस्ट बुद्धा ने ये नहीं किया होगा, दैट्स फॉर श्योर, बट उसके आगे के आगे आगे के आगे जो लोग आ रहे हैं सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, कोई कुछ भी कर सकता है। वो लोगों ने तरीका ही पूरा का पूरा बदल दिया। आइडली आप किसी भी रिलीजन को उठा करके देख लो या स्पिरिचुअलिटी के किसी भी इंसान की बातें सुन लो, वो फॉर्मेटिंग की बात करेगा। He will talk about format, खत्म। क्योंकि जो चीज डिलीट की बात चल रही है ना, कर्मा को एक एक करके, चाहे हम सपनों के थ्रू डिलीट करें, चाहे वैसे डिलीट करें, चाहे सेंसेशंस के थ्रू डिलीट करें, बेसिकली क्या हो रहा है, देखो कर्म का एग्जैक्टली किस तरीके से वो निकल करके आते हैं हमारे सामने। जब भी एक सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट होता है कॉन्शियसनेस के साथ, हमारी अवेयरनेस के साथ में, तो हमारी बॉडी में एक सेंसेशन होती है। सिंपल, देखो मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? हमारी आंखें, ठीक है, और जो हम देख रहे हैं। मैं अभी आपको देख रहा हूं तो मेरा कॉन्टैक्ट हुआ। अगर सपोज आंखें भी है और आप भी हो लेकिन मैं अवेयर ही नहीं हूं, तो क्या मैं आपको देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। इधर होगी मेरी नजर लेकिन तब भी नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरा माइंड कहीं और ही होगा, मुझे नहीं पता होगा आप क्या कर रहे हो। थोड़ी देर में आप कहोगे अरे यार भाई कहाँ है, जैसे अभी आप लोगों के साथ कुछ के साथ हो रहा होगा, मैं बोल रहा हूं लेकिन ध्यान कहीं और जा रहा होगा, राइट? होता है ना, एकदम से ध्यान कहीं और चला जाता तो आप कट गए। तो ये कॉन्शियसनेस हैज टू बी देयर इन बिटवीन। आपकी कॉन्शियसनेस यहां से हटके आपके थॉट्स में चली गई ना, फिर क्या हुआ, माइंड सब्जेक्ट बन गया, थॉट ऑब्जेक्ट बन गया, और आपका माइंड जो कॉन्शियसनेस है वो बीच में आकर के उसको जोड़ रही है। अब यहां से कट गए, बट अभी अगर आप ध्यान से देखो तो आप मुझे देख रहे हो, मैं ऑब्जेक्ट हूं, आप सब्जेक्ट हो, बीच में कॉन्शियसनेस है जिस वजह से आप देख पा रहे हैं। सिंपल, जैसे ही हम देखते हैं तो हमारी बॉडी में सेंसेशन होती है। वो सेंसेशंस, अभी आप सोच रहे होंगे फिर सेंसेशन क्यों नहीं हो रही, मुझे पता क्यों नहीं है। हमारी बॉडी में हर सेकंड में हजारों लाखों सेंसेशंस होती रहती है जो हमें पता ही नहीं है। बॉडी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, जब साइंस धीरे धीरे करके बता रही है। अगर यही बातें मैं 500 साल पहले करता तो लोगों को समझ नहीं आती, आज तो बड़ा सिंपल है समझना। एटम्स के बने हुए हम सारे, है ना, और वही एटम अभी मेरे अंदर है, वो फिर आपके अंदर है, वो फिर किसी उसमें चिड़िया में चले जाएंगे, वो पेड़ में चले जाएंगे, वो वहां जाएंगे, मतलब हम सब घूम रहे हैं। हम अल्टीमेटली कह रहे हैं कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, बट अल्टीमेटली देखो ये तो बॉडी है ना यार, मैं कहूं सिंपल।